जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 लॉकडाउन के चलते किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना हो तो पुलिस स्टेशन से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आप सबको घर बैठे ये परमिशन ई पास पुलिस पोर्टल के ज़रिए मिल सकती है। आइए आपको सिखाते हैं कि कैसे आप लोग ई पास के लिए अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप गूगल में जाइए, हैदराबाद सिटी पुलिस टाइप कीजिए, ऊपर की जो पहली वेबसाइट आ रही है hyderabadgovernment.in वो क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वेबसाइट खुलेगी, नीचे आइए, नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, अप्लाई फॉर एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रैवल पास पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे 5 ऑप्शन नज़र आएंगे, पहला और दूसरा कारोबारी लोगों के लिए है, तीसरा वाला जो है आम इंसान की ज़रूरत के लिए जो बाहर जाना चाहता है उन लोग के लिए है। उससे पहले आप ऊपर वाले कॉलम में हैदराबाद सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए सिटीज़न रजिस्ट्रेशन पर। जैसे आप सिटीज़न रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे एक और विंडो खुलेगी जिसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मिस्टर या मिसेस, आदमी है तो मिस्टर, औरत हो या मिस या मिसेस, और किसको पास होना है उनका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ मोहम्मद अहद। उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, मैं एग्जांपल के तौर पे 123456 लिख रहा हूँ वहाँ पर। उसके नीचे आपकी ईमेल आईडी के नीचे एक और मोबाइल नंबर इमरजेंसी के तौर पर, उसके नीचे आधार नंबर डालना पड़ेगा, और आपको पास क्यों चाहिए, मैं इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ मेडिकल और हेल्थ रीज़न की वजह से। और भी रीज़न्स है इसमें कि किसी का इंतकाल हो जाए या और कुछ वजह हो तो, लेकिन मैं इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ मेडिकल और हेल्थ रीज़न्स। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे एक और ऑप्शन आएगा नीचे, पर्पस, क्या वजह है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि हॉस्पिटल जाना है। आप यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई पेशेंट है, आप दवाई लेने जा रहे हैं तो लिख सकते हैं कि पेशेंट इन होम करके लिख सकते हैं आप। उसके नीचे रिक्वायर्ड पास फॉर, गाड़ी के लिए चाहिए या इंडिविजुअल चाहिए, मैं इंडिविजुअल ले रहा हूँ। नीचे व्हीकल, गाड़ी टू व्हीलर है या फोर व्हीलर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख सकते हैं। KYC, क्या प्रूफ देना चाहते हैं, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ट, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद रूट डिटेल आती है, रूट डिटेल यानी जाना कहाँ से है आपको, यानी कहाँ रहते हैं आप। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फलकनुमा। फिर जाना कहाँ है आपको, यानी आपके घर से जाना कहाँ चाहते हैं, वो एरिया का नाम लिखिए। उसके नीचे एक और ऑप्शन आएगा, कहाँ आप रहते हैं वहाँ का पुलिस स्टेशन कौन सा है, वो लेना पड़ेगा आपको। उसके नीचे एक और ऑप्शन आएगा कि कहाँ जा रहे हैं वहाँ का पुलिस स्टेशन कौन सा है, वो लेना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैं यहाँ ले रहा हूँ संतोष नगर। उसके बाद आता है पास वैलिडिटी पीरियड, यानी पास की कितनी वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी किस तारीख से किस तारीख तक। मैं यहाँ ले रहा हूँ 21 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मैं ले रहा हूँ, अब आपकी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो पास वैलिडिटी टाइम 24 आवर्स के लिए चाहिए, या कर्फ्यू जो टाइम होता है 6 बजे से रात में सुबह 6 बजे तक, या सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, मैं इसमें ले रहा हूँ 24 घंटे। उसके नीचे आता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का डोर नंबर, इलाके का नाम, शहर कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट तेलंगाना, और पिन कोड भी आपको डालना पड़ेगा।
जैसे ही आप सब चीज़ें यहाँ पर डाल देंगे, उसके नीचे आएगा आपको आपकी फ़ोटो चूज़ कीजिए, यानी आपके मोबाइल में जो आपकी फ़ोटो होगी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। फ़ोटो के नीचे एक और ऑप्शन आएगा KYC डॉक्यूमेंट, यानी आपने जो ऊपर आधार कार्ड सेलेक्ट किया था तो वो आधार कार्ड की एक PDF फाइल जो है वो आपको चूज़ करनी पड़ेगी। जैसे ही फाइल चूज़ कर लेंगे, आपको नीचे एक ऑप्शन और आएगा ज्यूरिसडिक्शन नेम, यानी हैदराबाद, हैदराबाद में हो तो ज्यूरिसडिक्शन हैदराबाद ही रहेगा। उसके नीचे और एक ऑप्शन आएगा कैप्चा, जो नंबर दिख रहा है काले वाले डब्बे में, वो नंबर जो भी होगा आप खोलते वक्त वही वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। वो टाइप करने के बाद नीचे एक ऑप्शन है सेव एंड जनरेट एक्नॉलेजमेंट, सेव हो जाएगा आपका एप्लीकेशन की एक रसीद आपको मिल जाएगी। जैसे ही सेव एंड जनरेट एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा, आपकी फाइल पुलिस के पास पहुँच जाएगी, और जैसे ही आपका ई पास अप्रूव हो जाएगा, पुलिस की तरफ से आपके दिए हुए नंबर पर एक रेफरेंस नंबर आएगा। आप इस वेबसाइट में फिर से आएंगे, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो चुनेंगे। चौथे वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपका रेफरेंस नंबर वहाँ टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही टाइप कर सबमिट दबाएंगे, आपका ई पास आप डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। और हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट ई पास अप्लीकेशन वाले पेज पर लेकर जाएगा और आपको आसानी होगी आपकी डिटेल्स फिलअप करने में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का आपको पहले पता चले।